जैसे कि प्रमोद जी आज आपके गाने के लॉन्चिंग हुए जिसका नाम है याद, जो कि बहुत ही बेहतरीन गाना है और बहुत ही अच्छे बजट के साथ शूट भी हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गाने को? सबसे पहले जितने भी यहाँ आए हुए मीडिया भाई लोग और जितने भी टिकटॉकर मेरे मित्र लोग आए, सबको दिल से धन्यवाद। और आज हम लोग का गाना है 369 चांस, जो आप लोग जिसके आयोजन में आए हैं, तो उस गाने का हम लोग लंच 4 बजे होगा। बहुत ही बड़ा गाना, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा गाना है। प्रमोद जी, ऐसा ख्याल कहाँ से उठा कि मुझे इतना बड़ा गाना बनाना चाहिए याद जैसा? ये सब लक्ष्मण भाई के प्यार और भाई और लक्की विश्वकर्मा जी तो इस वीडियो का डायरेक्टर है। तो बहुत दिन से प्लानिंग है, साल भर से प्लानिंग चलत रहे कि कुछ भैया बड़ा कर जाओ, भाई लोग का है, अगर अभी समय ना मिल पावे जैसे जैसे वीडियो करत रहे। बाकी अब ये वीडियो में आप सभी आपके भाई कुछ अलग ही देखिए, और जितना प्रयास गाँव में आप सबके प्यार आशीर्वाद से प्रयास के बन के अच्छा से अच्छा गाए, और ये गाना का म्यूजिक डायरेक्टर भाई बहुत ही अच्छे काम किए हैं, तो दिल से धन्यवाद। किसका याद आ रहा है? आपके बगल में बैठी हूँ, गाने के लिए याद है सर, आगे भी बात कीजिए। श्वेता जी, किसकी याद में गाना बनाए हो? उधर से जानते हो? हम नहीं किए हैं, हम सिर्फ एक्ट किए हैं, हम सिर्फ बनाए हैं गाना। इसे धोखा दे रहे हो जी, धोखा दे। अब तक जो आपका गाना बजता रहता है एकदम जमीन से जुड़ा हुआ, मिट्टी का चीज बजता रहा था भाई, ये भी जमीन से जुड़ा ही है, ऐसे मत बोलिए। जो गांव देहात में ज्यादातर बजता था, इस बार थोड़ा सा अलग लेकर के आ गए, धमाका नया वाला। प्रयास करे के चाहिए तो हम लोग छोटा सा प्रयास के लिए बने, और पहला बार हमारे भाई का चैनल 369 जो बहुत बड़े लेवल पर बनी है, वो ओपनिंग कर ली जाए, और गाना से शुरुआत हमारा भाई बता, आप सबसे आग्रह भी हो रहा रही, और भाई के प्रार्थना रही कि आप सब चैनल का इतना प्यार आशीर्वाद दी, अपना प्यार आशीर्वाद दी कि आपका भाई हमेशा इससे बड़ा बड़ा गाना है चैनल पर। श्वेता जी, पटना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अभी बस मैं होटल तक ही रह गई हूँ, थोड़ा बाहर घूमूंगी तो पता चलेगा। बट पटना के जितने लोग आए हैं यहाँ पे, जितने इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, मीडिया वाले आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ। और याद, मुझे लगता है आज का दिन सबको याद रहेगा, बिकॉज हम दोनों का पहला गाना है। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, इतना अच्छा गाना मुझे देने के लिए, और आपकी आवाज़ बहुत ही छोटा सा कलाकार मेरा भाई रोहित सिंह जो बैठा है, इसका इस गाने में लिखने का जवाब नहीं, और पहली बार भाई का गाना लिखा हुआ मैं गाना गाया, तो इस गाने में मैं प्रयास किया हूँ कि अच्छा से गाऊं, और शायद गाया हूँ तो मैं दो लाइन सुनाऊंगा। हर के हुकम पूरा करता हमार, तब फोन ना तो हर आवता। कुछ ही अलग ही हट के गाना सेट सब आपको एमएस सुने के लिए। प्रमोद जी, भोजपुरी में कुछ ही ऐसे गाने होते हैं जो कि इतने अच्छे बजट से बनते हैं, तो काहे नहीं ऐसा कोशिश किया जाए कि भोजपुरी में सभी गाने इतने अच्छे बजट से बने? देखिए सब भाई लोग तलागल बा, हम लोग प्रयास में भी करूंगा, बढ़िया से बढ़िया वीडियो करी, अच्छा से अच्छा गाना गाए, तो सब लोग करत तो हम वो करके शुरू कर देले बने। हमेशा बन रही है रिका जी, ठीक बा अच्छा प्रमोद जी, एक तरफ आपकी याद है और उधर पवन सिंह जी का लाल गाया, खेसारी जी का बोल दो तीन दिन, क्या उन सब गानों को टक्कर दे पाएगा आपका याद? चलिए पूरा प्रयास नहीं कि आप सब इसे सब भाई लोग को प्यार देते, रोहित हम लोग का आप सब दी, और उससे आप सब हम लोग की जगह है वो लेवल पर हम लोग को पहुंच जाए, टक्कर देवे खातिर ना प्रयास, आप सब प्यार दे खाली बस, सब टक्कर तो नहीं, बिकॉज सबके फ्लेवर अलग है, पवन जी का अलग है, खेसारी जी का अलग है, प्रमोद जी का अलग आया, तो आई थिंक अच्छा ही रहेगा। जो अब तक गाना कैसा रहा प्रमोद जी के साथ? बहुत अच्छा रहा, एंड थैंक यू सो मच 369 म्यूजिक चैनल का, हमें लॉन्च किया गया है, रीलॉन्च किया गया है, सो थैंक यू सो मच। नहीं, हमें भी लॉन्च किया गया है एक्चुअली में, बिकॉज सैड सॉन्ग इतने बड़े लेवल पे अभी तक मैंने नहीं किया था, और दोबारा लॉन्च किया, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा मेरा जी के साथ काम करके, और पहला बार हमारे यहाँ के गाना रहे,
तो दो तीन गो गान दो गाना पहले बने हो तो यही चैनल से दोनों गाना आए। बोल रहे जैसा बता रहे कि पहला गाना आपका जीवन का सबसे, तो इसके लिए कितना ज्यादा मेहनत किया जो बाकी अन्य गानों के अलावा 38 घंटे शूटिंग में श्वेता जी और हम 24 घंटा मेहनत करी 36 घंटा को आप सब इतना प्यार दीजिए ना कि भोजपुरी में लोग दूसरे टाइप का गाना लेकर गा रहे हैं और म्यूजिक में आप कंपनी लाए और इस तरह का गाना लेकर गा रहे हैं, दूसरे टाइप का मतलब थोड़ा बताइए। और सुनी ना भाई, सबसे धन्यवाद है जी, आप पहला बार हमारा से खराब है लक्की विश्वकर्मा जी जो भोजपुरी के नंबर वन कोरियोग्राफर है भाई, दिल से धन्यवाद। अच्छा करना तो सब चाहते हैं और वो लोग भी अच्छा करेंगे, जो आप जो वर्ड यूज किए वैसे वाले लोग भी अच्छा करेंगे और कोशिश भी कर रहे हैं सब लोग अच्छा करने के लिए, लेकिन क्या करें थोड़ा थोड़ा चीजें आ जाती है स्ट्रगल करना और उस चीजों को लेकर के भी लोग सोचते हैं। अभी भी मैं भी आप ही लोग जैसा हूँ और बहुत सारे छोटे सिंगर हमसे मिलते हैं तो उनका भी कहना एक ही रहता है कि हम लोग अच्छा अच्छा गाना गाते हैं तो कोई देखता नहीं है, चलता नहीं है, हम लोग 3 साल से गाना गा रहे हैं, 4 साल से गाना गा रहे हैं, बट कुछ गलत देखा नहीं, तो वही हाल है कि अगर गाली दे दीजिए तो तुरंत हाईलाइट हो जाइएगा और इज्जत से प्रणाम करिए नमस्कार करिए तो कोई आपको नहीं भेज देगा, तो थोड़ा थोड़ी चीजें आ जाती है, लेकिन कोशिश सब कर रहे हैं अच्छा करने की और हम भी वही चाह रहे हैं कि अच्छा हो और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। बजट तो हाई है ठीक है, लेकिन मेहनत के ऊपर बजट नहीं जाता क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा है, बजट बहुत कम है, क्योंकि इसमें हर एक इंसान जो इस गाने से जुड़ा है चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, और म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत लोग जानते हैं, उनका नाम है जयदीप वर्मा जो कि अलग नाम से आ रहे हैं विजुअल्स के नाम से, और हर एक इंसान मेहनत किया है, जो जो इस गाने को लिखा है वो भी मेहनत से लिखे हैं, सिंगर जो गाए हैं वो भी मेहनत से गाए हैं, और बाकी शूटिंग पे तो हर एक इंसान ने मेहनत किया और दिल लगा के किया है, तो बजट नहीं वैल्यू रखती है जब हम मेहनत आगे आ जाता है। तो प्रमोद जी का ये बड़प्पन है क्योंकि ये उनका बड़प्पन है छोटे भाई के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से मतलब ऑलमोस्ट 4-5 सालों से हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे के साथ और काम किए भी हैं, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि बोल रहे हैं कि मेरे जिंदगी का, उन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं और जो कि पब्लिक उनको बहुत प्यार करती है, जिंदगी का नहीं बोल सकता लेकिन ये जरूर बोल सकता कि थोड़ा सा अलग वीडियो की क्वालिटी और चीजें थोड़ा उन्होंने चेंज किया है और वो बहुत अच्छा लगा है और उनका मेहनत बहुत ज्यादा है, उस मेहनत के लिए मैं उनको भी बहुत धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि जीवन वो बोल के मेरे को मतलब वो एक आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूँ, प्रोड्यूसर और निर्माता ये बाद में हूँ मैं, क्योंकि पहले हम लोग बहुत दिनों से जुड़े भी है, काम भी कर रहे हैं, तो हमेशा भाई की तरफ प्यार मिला है उनसे और आगे भी मिलता रहेगा, तो ये उनका बड़प्पन है बोलना। उन लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भोजपुरी में ये नहीं चलेगा, कोई पेटीएम और फोन पे यूज करता था क्या, कोई अमेजोन यूज करता था क्या, तो आज कर रही है ना, घर की औरतें मंगा रही है ना, तो आप लेकर तो दीजिए, आप अच्छा लेके तो आइए, देखिए पब्लिक उसको भी पसंद करेंगे, ऐसा वो बोलना गलत बात है कि भोजपुरी नहीं, अरे हम खुद ही भोजपुरी को गिराते जा रहे हैं बोल बोल के। प्रमोद भैया एक सवाल है आपसे, हाल ही में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी एक फिल्म के सेट से उन्होंने एक बयान दिया है कि फिल्म इंडस्ट्री अलग है भोजपुरी का और एल्बम इंडस्ट्री अलग है, एल्बम में ढोली चोली चलता है लेकिन फिल्म में नहीं चलता है, क्या दिनेश लाल यादव जी का ये बंटवारा आपको क्या लगता है? देखिए आखिर फिल्म हो चाहे गाना वो भोजपुरी में हो, फिल्मों में तो भोजपुरी गानों का आता है, तो हमारा ख्याल से देखिए सब भोजपुरी समाज या भोजपुरी फिल्म हो या गाना हो उनमें कौन मायने के सब बराबर है, एल्बम इंडस्ट्री से ही फिल्म में जाते हैं, हां एल्बम में से हिट हो गया हीरो बनता फिल्म बनता, तो भोजपुरी में
सब जो भी भोजपुर इंडस्ट्री के बाद जो भी लोग आए भैया लोग सब लोग एल्बम से उठ के हीरो बनल बा और बहुत सारे भाई लोग भी बनने वाला बा। अरे ना भाई चलो अपन जो हमने काम है काम पर फोकस करो। याद को याद बनाइए वो बहुत राजनीतिक मत बनाइए। सबसे बड़ी धोखेबाज इधर बाजू में बैठे हैं प्रमोद भैया की और इनकी याद में इन्होंने चार चार साल डाला है वो तो अभी 4 बजे मिल जाएगा। और याद के प्रमोशन में बहुत अच्छे निर्मित रहे राइटर लोग भी जुटे हैं शुभम तिवारी जी सोनू सुधाकर जी मनीष रोहतासी जी और तमाम राजीव जी सोनू भाई सब लोग सबके दिल से धन्यवाद और पूरे जो भी या जो भी कमेटी हॉल में जुटा हुआ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू।